याद किया है खेल के जगत में। जितने भी हमारे ऑफिशियल हैं, क्योंकि हमारे अभी प्री क्वार्टर मैच प्रारंभ होने जा रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है सभी से, आपने मोबाइल को वाइब्रेट मोड पर डाल दीजिए या उसको बंद कर दीजिए, डालें या उसको बंद कर दें। किसी भी ऑफिशियल का मोबाइल चलते हुए मैच में हमें उनके हाथ में नहीं देखना चाहिए। मैं आपसे भी और या फिर जो है उसे बंद कर दीजिए प्लीज। शिवनारायण सामने लड़ जाओ भाई, एक मिनट टेबल के सामने लड़ जाओ भाई, आओ पहलवान। वर्सेस शहडोल जिला बहुत कैप्टन प्लीज कर रेडी, ये दोनों गर्म मैच है, कृपया ये चारों टीमें तैयार हो जाए। धार जिला, शहडोल जिला, विदिशा जिला, ये चारों टीमें दर्ज की कृपया तैयार हो जाए। फर्स्ट कॉल बॉयज सेक्शन पापा रिकॉर्डर मैच है, बालक वर्ग में उज्जैन कॉर्पोरेशन और उज्जैन जिला दोनों कृपया तैयार हो जाए। आठवां प्री क्वार्टर मैच फर्स्ट कॉल देवास कॉर्पोरेशन और रीवा जिला इन द बॉयज सेक्शन।
बालक वर्ग के अंदर आठवां प्री क्वार्टर मैच रीवास कॉर्पोरेशन और रीवा जिले के बीच होगा। ये सभी टीमें कृपया के अंदर से स्टोर रूप से 15 साल और 15 श्री माफ करिएगा 10 साल और 10 श्रीफल उपलब्ध करा दीजिएगा। ये हमारे बीच में दो ऐसे राष्ट्रीय निर्णायक हैं जिनके जीवन का आज बड़ा दिन है। अब दोनों जगह को मेंटेन कर रहे हैं, आज उनका जन्म दिवस है। मैं चाहूंगा आज इतनी जनता जनार्दन उनको ताली बजाकर उनको आज जन्मदिन की बधाई दे। आदरणीय पांडे जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, व्यवस्था के साथ उनका जन्मदिन मनवाए यहाँ पे आदरणीय मिथिलेश दादा। और एक बड़ा दिन और भी है हमारे बीच में, प्रो कबड्डी के जो हमारे अंपायर्स हैं आदरणीय अरुण भैया अरुण राजपूत जी, जो कि हमारे मानते हैं पूरे मध्य प्रदेश की हमारी शान है। आदरणीय अरुण भैया का आज शादी की सालगिरह, उनको भी आप जोरदार तालियों के साथ बधाई दें। भैया आपको शादी की सालगिरह की बधाई, लगातार आप प्रयासरत हैं और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा करेंगे उस समय पूरा मध्य प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन और रीवा जिला कबड्डी एसोसिएशन आपके साथ खड़ा रहेगा। आप ऐसे ही आगे उन्नति करें आप दोनों, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। मैच उज्जैन कॉर्पोरेशन से उज्जैन जिला बोथ कैप्टन भी सेलिब्रिटी इम्यूनिटी ऑन कोर्ट नंबर 3। उज्जैन कॉर्पोरेशन उज्जैन जिले का मैच सातवां प्री क्वार्टर मैच मैदान नंबर घाट स्ट्रीट लीडिंग बाय मार्जिन ऑफ 14 पॉइंट। हेलो पालक सेकेंडरी स्कूल चाकघाट, देखिए खेल की ललक और प्रतिभाओं को निखारने का काम शासकीय बालक किस तरह से कर रहे हैं,
आज केवल स्पोर्ट एजुकेशन की क्लास चलाया हुआ है और कक्षा 12 तक के विद्यार्थी यहाँ पे खेल का आनंद ले रहे हैं। इस क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं, जिस गांव के भी बच्चे होंगे, उनके माता पिता भी देख रहे होंगे। कोर्ट नंबर 1 में हमारे जो ऑफिशियल लगे उसमें जो हमारे लोकल ऑफिशियल है आदरणीय विवेक मिश्रा, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में आपने मध्य प्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व किया और आप लगातार खेलों के क्षेत्र में इस पूरे टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए आपने जो सहयोग किया है वो रीवा जिला का हमारा एक लड़का है, हंसवाड़ी पब्लिक स्कूल का। आप नीचे उतर आए बेटा, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस कबड्डी प्रतियोगिता में आदरणीय हमारे तिवारी लाल भैया, जो कि मैं कौशलेय भैया नाम नहीं ले पाता हूं क्योंकि हम लोग हमें किया है, वे सब आपको समय दिया है, खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भैया से विशेष निवेदन करता हूं भैया पढ़ाई अंचल में शिक्षा जगत में जो इन्होंने उत्कृष्ट योगदान किया है उनको आप साल और श्रीफल और माला पहनाकर स्वागत करें, उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां, एक बार बैठे हुए सभी खिलाड़ी जोरदार तालियां बजा दें। इस तराई अंचल में जो हमारा तराई का है, जवा का बोला जाता है, इसमें आपने शिक्षा जगत में बहुत बड़ा योगदान। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। हमारे बीच में एक और कार्यकर्ता है इस क्षेत्र के, जिन्होंने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं भैया से विशेष अनुरोध करता हूं कि उनको भी साल और श्रीफल देकर सम्मानित करें। ऐसी विभूतियां आप लगातार सक्रिय हैं, मैं पुनः आपसे विशेष अनुरोध करता हूं कि आप भैया के द्वारा अब विभूतियों का सम्मान किया गया। मैं आदरणीय मिथिलेश दादा से ही निवेदन करता हूं कि हमारी विभूतियों के बारे में, क्योंकि मैं तो रीवा जिले रीवा का रहने वाला हूं, सिरमौर तहसील का। ये जैसा कि मैं थोड़ा बहुत ही मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं भी रीवा ही जाता हूं, लेकिन आउट एरिया हमको उस समय लगा था। ऐसे अवसर अगर आपने प्राइवेट विद्यालय खोल करके
शिक्षा जगत में काम किया है, इस कबड्डी प्रांगण में आपको सम्मानित करते हुए मैं बहुत ही खुशी का अनुभव हो रही है। और आपके ही बालक हूँ, आप लोगों के मार्गदर्शन में ही पढ़ा लिखा है। और दादा के बारे में तो मैं बहुत जानता हूँ, ये अमाव गांव है, एक ऐसा गांव है जो चाक घाट से बिल्कुल सटा हुआ है। और अमाव गांव भले है लेकिन वो चाक घाट ही है। हम लोग अमाव गांव में हमारे तो बहुत ही मित्र मल्ला भाई हैं जो भी यहाँ बैठे, क्योंकि आज उनको याद करते हुए मुझे टिक्कू भाई की भी याद आ गई। हमारे क्रिकेट के बहुत ही अच्छे विकेट कीपर, और उनका इस दुनिया से जाना हो गया। हमारे राजनीति के बहुत ही अच्छे जाता है, बस इतना ही जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, क्योंकि जैसे कि खिलाड़ियों के बोला जाता है कि वृद्धावस्था में किया जाता है, खिलाड़ियों के लिए या सीनियर जो हमारे आए हो उनके लिए यही एक क्लब बात है, यही चारों धाम की यात्रा है। आप सब हमारे साथ रहिए, ऐसे ही बने रहें। देवास कॉर्पोरेशन रीवा जिला, बहुत प्यारा प्लीज सेंड इट इमीडिएटली ऑन कोर्ट नंबर 1, रीवा और देवास कॉर्पोरेशन मैच मैदान नंबर 1, कृपया। आदरणीय दिनकर सिंह जी पार्षद हमारे नगर परिषद के, वो हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, मैं उनका इस आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूँ। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। सतपुरा सामाजिक व राजनीतिक जीवन में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो खेल रहा है वो क्रिकेट रहा है, लेकिन आज कबड्डी के क्षेत्र में भी हमें सहयोग करने के लिए और हमें हमारे पूरी आयोजन समिति का मार्गदर्शन करने के लिए पधारे हैं आदरणीय प्रेम नारायण तिवारी जी का मैं आदरणीय दादा मिथिलेश सिंह जी से निवेदन। दादा से विशेष निवेदन है कि हमारे बीच प्रेम नारायण तिवारी जी ग्राम सतपुरा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खेलों के प्रति उनकी रुचि काफी रही है, उनका साल और त्रिपल से सम्मान करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं, आदरणीय मिथिलेश दादा से पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में दिवाक जिनके पिताजी ने समरजीत आदरणीय समरजीत सिंह जी ने जिन्होंने कृषि उपज मंडी के लिए बघेड़ी चाक घाट में भूमि दान की थी, एक बड़ा चाक घाट के लिए अवसर प्रदान किया था, मैं आदरणीय दिवाकर दादा से चाहूंगा एक हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक आदरणीय लाल समरजीत सिंह जी दादा ने कृषि उपज मंडी के लिए बघेड़ी चाक घाट में भूमि दान की थी, आज जो करोड़ों की भूमि है उस समय में आप जीती हरूबापा पुणे। सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच दस सेक्शन धार जिला वर्सेस शहडोल जिला तैयार रहे, धार जिला और शहडोल जिला आपको अगला क्वार्टर फाइनल मैच खेलना है, बालिका वर्ग में दोनों टीमें तैयार रहिएगा। अमरनाथ जी पंकेश पूर्व जनपद उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, मैं दादा मिथिलेश सिंह जी से ही विशेष निवेदन करता हूं, उनका भी साल और त्रिफल से सम्मान करने का कष्ट करें। ये सब विभूतियां जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे छोटे से अनुरोध पे आप यहां उपस्थित हुए। जो हमारी टीम आदरणीय शर्मा जी, इस दोनों टीमों को टर्न अप करिएगा। हमारे बीच में सम्मानी सुशील कुमार मिश्रा जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, रहे हैं, बाकी
यहाँ देवघर क्षेत्र में डांस पार्टी भी चलती थी, जिसके निर्देशक थे हमारे माननीय कि बहुत अच्छे डांसर भी थे और बहुत अच्छी पार्टी चलती थी माननीय मिश्रा जी के निर्देशन में। और हमारे बीच में सम्मानी श्री प्रभु नारायण शर्मा जी जो पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे, अहम भूमिका रही है। मैं निवेदन कर